कि अरे मोदी जी अगर हिम्मत है तो चार मीनार में आकर कैंपेनिंग करो। मगर आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बंडी संजय गारू का कि ये जो चुनौती था सऊदीन ओवैसी का कि चार मीनार में आके मोदी जी चुनौती स्वीकार करे, एक साधारण गरीब परिवार के, एक साधारण परिवार के लड़के ने, एक साधारण परिवार से आए नेता ने, बंडी संजय गारू जी ने उस चुनौती को मटिया मेट कर दिया है। 28 तारीख को जिस प्रकार का रैली हुआ और जिस प्रकार से दहाड़ा संजय जी ने चार मीनार से, कहीं न कहीं ओवैसी जी की नींद उड़ गई। अब ओवैसी जी सो नहीं सकते। बंधुगण, जब 2014 में हमारा यह प्यारा राज्य तेलंगाना निर्मित हुआ था तो क्या स्वप्न था? एक ही स्वप्न था, जनता का राज हो तेलंगाना में, युवकों के लिए नौकरी हो तेलंगाना में और भ्रष्टाचार मुक्त हो तेलंगाना। मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या टीआरएस ने जो सरकार बनाई है उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? भ्रष्टाचार मुक्त हुआ क्या? परिवार का राज ही चल रहा है ना, जनता का राज तो नहीं है ना।